तो लगता है अरे दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसी तरह जहां हम कुछ करते हैं हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बेहद में चले जाते हैं हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज का अभिमान नहीं हो, अभिमान वाला फेल है। अर्जुन गिर गया, क्यों गिर गया? उसको लगता ही मैंने इतना अक्षुणी सेना को मारा, वास्तव में मारने वाला कौन था? जब युद्ध होने वाला था, युद्ध कौरव पांडव में, तो भीम का पोतरा जिसका नाम बारबरिक है, बारबरिक को पता था उसने तपस्या की थी, जो कमजोर और बढ़ेगा तुम्हें कोई पराजय नहीं करेगा। तो कमजोर पक्ष कौन था? कौरव कमजोर थे, क्योंकि कृष्ण तो शक्तिशाली था ही, तो इसीलिए उसको यह लगा कि मैं कौरवों की तरफ लड़ूंगा। अब कृष्ण को पता चला अंतर्ध्यान से ये तो कौरव की तरफ लड़ने वाला है, अगर वो वहां जाएगा ना पांडव हारेंगे ना कौरव हारेंगे, विजय किसकी भी नहीं होगी। तो कृष्ण क्या करता है, जब वो बारबरिक सैनिक के साथ आ रहा था युद्ध करने के लिए, उसी के रास्ते में एक ब्राह्मण बन करके वेश बदल करके बैठता है और उसको कहता है जन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं उस चीज को करके जाओ। तो उसको लगता है ब्राह्मण मांगेगा, जमीन मांगेगा, गाय मांगेगा, कहता है क्या चाहिए तुमको ब्राह्मण? तो उस समय ये कहता है मैं जो मांगूंगा वो देंगे, कहता है अरे जो चाहे दूंगा मेरा वचन है। तब ये ब्राह्मण कहता है मुझे आपका शिर चाहिए। जब शिर मांगा उसको डाउट आता है ये शिर मांगा इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है ये कोई और है, कहता है मैंने वचन देके तो फंस गया हूं लेकिन आप कौन है? तब कृष्ण अपना रूप में दिखाता है, कहता है आपने मेरे साथ ऐसा किया लेकिन मेरी एक इच्छा ही, कहता है वो बारबरिक मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि कोई बात नहीं। तो क्या किया उसका सिर काट के लिया, एक पेड़ को बांध कर रख दिया और वो युद्ध लास्ट तक जब विजय हो गए, विजय होने के बाद कौरव मर गए, उसके बाद पांडव आपस में लड़ते हैं। मैं तो देखता था गदा के सामने भी चक्र चलता था, तीर के सामने भी चक्र चलता था, मुझे चक्र ही दिखता था, मुझे बाकी ना कुमारी गदा दिखाई पड़ी ना कुमारी तीर चले थे, एक सुदर्शन चक्र था उसने पूरा युद्ध में प्राप्त किया। तो कहने मतलब विजय बन कृष्ण। इसी तरह आज हमारी भी विजय होगी, विजय माने ब्राह्मण आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं, ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरी जगह, मेरा एरिया। अरे जिसका यज्ञ है, जिसका ज्ञान है वो तो बाजू में रह गया, नजर नहीं आते। इसलिए ब्याग बोन में बाबा है, इसलिए बाबा कराता है, बाबा ने कराया, मैं कुछ नहीं करता हूं बाबा, ये हमारे अंदर स्थिति चाहिए और वही विजय बनेंगे। कोई भी प्रकार का अंदर अभिमान ना हो। बाबा कहता है चाहे तो मैं कितना सारा अच्छे अच्छे लोगों को निमित्त बना करके कर सकता हूं लेकिन तुम्हारा भाग्य बनाना है इसीलिए तुम्हारा सफल कर रहा हूं। भाग्य बनाने के लिए हमको चांस बाबा यहां ले रहा आपका। इसलिए कोई भी चीज का हमें, और कभी सेवा में लगाया मतलब हमारा खर्चा नहीं किया, जमा हो गया, बैंक में डाला, बाबा के सेवा में।